ये क्या बकचोदी है सालो? रोहित, पप्पू चोर की गली में लंगर लगवाए, मूली के पराठे मिल रहे हैं वहाँ पे, आजा एक साथ खाएंगे। मैं भी मूली के पराठे खाऊंगा। अरे रोहित, ये क्या कर रहे तू? मटके में आपके लिए लंगर लेके आऊंगा। क्या? आज मैं लंगर में जा रहा हूँ, वहाँ से मूली के पराठे खा के आऊंगा। माँ, मूली के पराठे खाएगा तू? लंगर में नहीं जाएगा? क्यों, मेरे सब दोस्त जा रहे हैं। माँ, मूली के पराठे खाने के बाद तू गैस छोड़ता है? मैं नहीं छोड़ता। तू छोड़ता है? लेकिन माँ, तू गैस छोड़ता है? साला पतोड़ा कहीं का। अरे बाप रे, लगता है रोहित पतोड़ा है। भागो भागो भागो, देख लूंगा आपसे दुगना पा दूंगा, पाद पाद के नाक में दम कर दूंगा। ये किसने बना? मेरे पापा बहुत बड़े पदोड़े थे, ये उन्हीं का कंप्यूटर है, ये कंप्यूटर पे पाद मारता है। अच्छा, हाथी एंटर। ये क्या है? पता नहीं, लगता है पाद मारने के नए नए तरीके हैं। ये देखो, प्रेस भी दिख रहा है, बी फोर बड़ा वाला पाद। ये मशीन तो पाद मार ही नहीं रही, देखो इसमें से भी पाद की बदबू आ रही है। इसको इसमें घुसेड़ के देखते हैं। कहां घुसेड़ूं यार, यहां घुसेड़ देता हूं। वाह, कितना बदबूदार पाद है। सी बटन दबाओ जल्दी। अमेजिंग, जल्दी करो, हमें और पाद सूंघना है। ये तुमने कैसे किया? मेरे पापा ने मुझे भी पाद मारना सिखाया था। रोहित, तुम इस गोबर खाने में क्या कर रहे हो? सर, रोहित भी यहाँ का गोबर खाना चाहता है सर। शट अप, जाकर अपने सीट पर गोबर खाओ। शरीर की पाचन क्रिया का बिल्कुल सही होना जरूरी होता है रोहित। और तुम? तुम्हें गोबर पस्ता तो है नहीं, फिर क्लास में पादते फिरते हो। मेरे पापा बहुत बड़े पदौड़े थे सर, वो हर जगह पादते थे। मैं अपने पापा की तरह बना जाता हूँ सर। तो फिर जाओ अपने बाप से पादना सीखो। अब उनसे पादा नहीं जाता सर। तो जिससे पादा जाता है उसे जाकर पादना सीख। मेरा दिमाग मत खा, निकल जाए यहाँ से। चला जा साला पदोड़ा, कहीं का पता नहीं कहां कहां जा जाते हैं। देख लूंगा तेरा टकला फोड़ूंगा, तू बाहर निकल। ऐसा तो नहीं ना होता।